आप लोगों और आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीएस स्पार्क में। जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम पूरे भारतीय एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहे हैं, और इस अवसर पर मैंने आपसे कहा भी था कि आपकी पढ़ाई किसी भी कीमत पे रुकेगी नहीं, हम इसको लगातार सुचारू रूप से चलाएंगे और आप घर बैठे ही वो सारे कंटेंट उपलब्ध करवा देंगे आपको जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी भले ही क्लास ना चले लेकिन आपकी पढ़ाई कहीं से ब्रेक डाउन ना हो पाए। ठीक है दोस्तों, उसी क्रम में मैं हिस्ट्री का अगला टॉपिक लेकर के आया हूँ। मैंने पिछली बार आपसे डिस्कस किया था बौद्ध धर्म के विषय में, तो इस बार मैं आपसे आगे एक कदम चलता हूं जैन धर्म के विषय में। और आपको दोनों चीजें बताया जा चुकी हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही ब्राह्मण धर्म के विरोध में ही उत्पन्न हुए थे। आज मैं बात करने वाला हूं जैन धर्म के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब जैन धर्म बौद्ध धर्म से भी प्राचीन धर्म है। कहा जाता है कि जब हम अपने इतिहास को जानने का प्रयत्न करते हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि सबसे प्राचीन जो हमारा वेद है वह है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में हमारे दो जैन गुरुओं का नाम वहां पर वर्णित किया गया है, जिनका नाम है ऋषभदेव और अरष्टिनेमी। तो दोस्तों याद रखिएगा कि ऋग्वेद में पहला सवाल तो आपसे यही पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में किन दो गुरुओं का नाम है, तो ऋषभदेव और अरष्टिनेमी दो लोगों के नाम ऋग्वेद में लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको बता दें जो ऋषभदेव और अरष्टिनेमी के बाद इनको, चूंकि ये संस्थापक के रूप में माने गए हैं कि ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक हैं, तो सवाल यहाँ भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो आपका आंसर अगर वहाँ पर ऋषभदेव हो तो ऋषभदेव लगाइएगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो आपको उन्हें बताना होगा 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह था सांड, ये बार बार पूछा जाता है, सांड इनका प्रतीक चिन्ह सांड था, और अरष्टिनेमी का जो प्रतीक चिन्ह था वो था हाथी दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। तो हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं कल्पसूत्र, भगवती सूत्र और परिशिष्ट पर्वन नामक ग्रंथों से हमको जैन धर्म के विषय में काफ़ी जानकारियाँ उपलब्ध हो जाती हैं। ऋषभदेव के बाद आते हैं 23वें तीर्थंकर, काफ़ी फेमस रहे, इनका नाम है पार्श्वनाथ। इनका क्या नाम है दोस्तों? पार्श्वनाथ थे, और ये राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनके पिताजी का नाम था राजा अश्वसेन, ये अश्वसेन के पुत्र थे, और इनका प्रतीक चिन्ह था पार्श्वनाथ का, जो 23वें तीर्थंकर थे इनका प्रतीक चिन्ह था सांप। ठीक है दोस्तों, पार्श्वनाथ 30 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग देते हैं। कब त्यागते हैं? 30 वर्ष के जब होते हैं तो ये घर को त्याग देते हैं दोस्तों। 30 वर्ष की अवस्था में ये घर को त्यागने के बाद 84 दिन तक कठोर तप करते हैं। कठोर तप करते के बाद सम्मेद पर्वत पर, यानी 84 दिन तप करने के बाद ये सम्मेद पर्वत पर, एक सवाल पूछा जाता कहाँ पर ज्ञान प्राप्त होता, सम्मेद पर्वत पर इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और देखिए दोस्तों, यहां पर ज्ञान की जो बात कर रहे हैं, जैन धर्म के में ज्ञान को बोला जाता है कैवल्य, यानी इनको कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। अब पार्श्वनाथ का जिक्र मैंने इसलिए किया, 23वें तीर्थंकर हैं और काफी फेमस हैं। तो इन्होंने जैन धर्म में चार सत्यों को जोड़ा, चार चीजों को इन्होंने जोड़ा। पहली चीज थी सत्य, जो व्रत थे जिनका पालन करना जरूरी था, सत्य। दूसरा था अहिंसा। तीसरा था अस्ते। और चौथा था अपरिग्रह। तो दोस्तों देखिए, इसका अर्थ हो गया सत्य, तो आप लोग जानते हैं कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अहिंसा का अर्थ भी आप लोग जानते हैं कि हिंसा नहीं करनी है। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, यानी हमें चोरी नहीं करनी है किसी की। और अपरिग्रह का मतलब होता है हमें किसी भी प्रकार की संपत्ति को हमको संग्रहित नहीं करना है। ठीक है, ये तो हो गए 23वें तीर्थंकर की हमने बात कर ली। इसके बाद जो मेन है हमारे 24वें तीर्थंकर, इनका नाम है महावीर स्वामी। ठीक है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में ये जाने जाते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में इनको हम जानते हैं, संस्थापक।
के रूप में जानते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ फिर से एक बार जिक्र कर दे रहा हूँ कि इस समय ब्राह्मण ग्रंथों की वजह से हमारे भारतवर्ष में हिंसा होने लगी थी, लोग हिंसा करने लगे थे। तो इस हिंसा को रोकने के लिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही प्रवृत्त हुए। ठीक है दोस्तों, तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी में ईसा पूर्व 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, देखिए ये सारे सवाल पूछे जाते हैं, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल पूछा जाता है कि जो सिद्धार्थ थे इनके पिता, ये वज्जी संघ के प्रमुख थे, वज्जी संघ। और माता लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। ठीक है दोस्तों, इनका विवाह यशोदा नाम की एक कन्या से होता है। यशोदा इनकी पत्नी का नाम है, यशोदा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर बता दे रहा हूँ, अच्छे से याद रखिएगा दोनों चीज़ें, कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ महावीर स्वामी की पत्नी का नाम, इनका नाम है यशोदा, और गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। दोनों कन्फ्यूज़ करते हैं, इसलिए दोनों को आप ध्यान से याद रखिएगा। पत्नी का नाम था यशोदा, और बौद्ध धर्म में जो भगवान बुद्ध थे उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनकी पुत्री का नाम अनुज्या प्रियदर्शनी था, और इनके दामाद का नाम जमाली था। ठीक है, जमाली नाम मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि इनके पहले शिष्य इनके दामाद ही बनते हैं जमाली। ठीक है, तो यहां आप याद रखिएगा कि महावीर स्वामी के पहले शिष्य कौन बने? जमाली। अच्छा ठीक है, इसके बाद मैं आपसे बताना जा रहा हूं कि 30 वर्ष की अवस्था में ये अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेते हैं। किसकी? नंदीवर्धन की आज्ञा लेते हैं और कहते हैं कि भैया मुझे तो सत्य जानना है कि इस दुनिया में सत्य क्या है, संसार में सच्चाई है कहाँ। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने बड़े भाई की इच्छा से गृह त्याग देते हैं और सन्यासी जीवन धारण कर लेते हैं। लगभग 13 महीने ये ज्ञान की तलाश करते रहते हैं लेकिन इनको ज्ञान नहीं मिलता है। 13 महीने की कठोर तपस्या के बाद ये सारे वस्त्रों तक को त्याग देते हैं, यानी नग्न रहना शुरू कर देते हैं। सब मोह माया इनके लिए थी। जब इनने जाना है कि ये सारी चीज़ें मोह माया हैं, इसके बाद ये 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हैं। दोस्तों कितने वर्षों तक? 12 वर्ष की कठोर तपस्या करते हैं, और इस कठोर तपस्या के बाद जुम्भिक ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे, कहां पर? जुम्भिक ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे इनको कैवल्य की प्राप्ति होती है। कैवल्य परम ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो यहां याद रखिएगा, जुम्भिक ग्राम ऋजुपालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे। अच्छा दोस्तों, यहां पर गौतम बुद्ध के बारे में भी जान लें। क्या बताया था मैंने? निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, और इनको जुम्भिक ग्राम ऋजुपालिका नदी एक साल वृक्ष के नीचे 12 वर्षों के कठोर तपस्या के बाद कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। और जैसे ही इनको कैवल्य की प्राप्ति होती है, कैवल्य जैन धर्म में कैवल्य को परम ज्ञान बोला जाता है, जैसे ही कैवल्य की प्राप्ति होती है महावीर स्वामी बन जाते हैं जिन का अर्थ होता है विजेता। निग्रंथ, इनको निग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है,
यानी बंधनहीन, बंधनहीन हो जाते हैं। और अरहत, अरहत नाम से भी ये जाने लगते हैं, यानी कि पूजनीय बन जाते हैं, पूजनीय। अच्छा, यहां पर जो सवाल पूछा जाएगा, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश वितुलाचल पर्वत पर दिया। कहां दिया? वितुलाचल पर्वत पर। कहां दिया पहला उपदेश? वितुलाचल पर्वत, वितुलांचल पर्वत पर दिया, ठीक है। और किस भाषा में दिए इन्होंने अपने उद्देश्य उपदेश? इन्होंने अपने उद्देश्य अर्धमागधी में दिए, अर्धमागधी यानी प्राकृत। और बौद्ध धर्म किसने दिए? पाली भाषा में, दोनों याद रखिएगा। यहाँ पर यानी जैन धर्म में जो भी इन्होंने दिए, ये क्या बोला इन्होंने कि जितने भी इन्होंने उपदेश दिए अर्धमागधी यानी प्राकृत भाषा में दिए इन्होंने, और वहाँ पर पाली भाषा में दिए गए, तो इन्होंने प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए, अपने उपदेश दिए। और बताया, और बताया कि इस संसार की जो उत्पन्न करने वाला है वो ईश्वर नहीं है। पहली चीज जान लें कि इनने बताया कि इस संसार का जो उत्पन्न यानी सृष्टि का निर्माता ईश्वर नहीं है। ये तो लेकिन इसी वजह से जैन धर्म भी ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन आत्मा और पुनर्जन्म के अस्तित्व पर विश्वास करता है, ठीक है। ईश्वर को नहीं मानता है जैन धर्म, लेकिन आत्मा और पुनर्जन्म पर विश्वास करता है, ठीक है दोस्तों। आत्मा और पुनर्जन्म पर ये यकीन करता है। कर्म फल की बात इसीलिए की गई है, कर्म फल की बात इसीलिए की गई है, और यही वजह है कि जैन धर्म में इन कर्म फलों को रोकने के लिए, यानी इस जन्म में जो आप कर्म फल कर रहे हैं इनको रोकने के लिए, इनके प्रवाह को रोकने के लिए त्रिरत्न दिए गए। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? त्रिरत्न। अच्छा, आपसे सवाल पूछा जाए त्रिरत्न क्यों आए, तो बताइएगा आप कि कर्म की जो फलों की जो कर्म फल हैं इनको रोकने के लिए त्रिरत्नों का पालन करना बेहद जरूरी है। तो त्रिरत्न कौन है? सम्यक श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, सम्यक आचरण। इन्होंने कहा कि आपको श्रद्धा होनी चाहिए किसी भी बात पर, उसके बाद उस श्रद्धा के बाद आपको तभी तो ज्ञान मिलेगा, आपको ज्ञान तभी मिलेगा जब किसी बात पर आप भरोसा करेंगे। आपका मतलब पूर्ण, श्रद्धा का मतलब होता है पूर्ण रूप से आस्था रखना। सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, तभी आप वैसा आचरण करिए सही तरीके से, ठीक। इसके बाद ये जो चार व्रत थे, जो चार व्रत किसने जोड़े थे, आपको बताया था सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह, इसमें महावीर स्वामी पांचवा सत्य जोड़ते हैं, पांचवा एक और इसमें जो है चीज जोड़ देते हैं वो थी ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो दोस्तों आपसे पूछा जाए कि महावीर स्वामी कौन सा व्रत जोड़ते हैं जैन धर्म में, तो आपका आंसर होगा ब्रह्मचर्य का पालन करना महावीर स्वामी नितांत आवश्यक बताते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं यहां बताने जा रहा हूं, इनने जिस ज्ञान की बात की, जैन धर्म जिस ज्ञान की बात की, उस ज्ञान को हम सप्त भंगिनय मार्ग के नाम से जानते हैं। सप्त भंगिनय मार्ग, इसको एक नाम और दिया गया अनेकांतवाद, अनेकांतवाद या स्यादवाद, स्यादवाद, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर मैं बता दे रहा हूं, मैंने आपसे बताया कि जैन धर्म में बताया गया है कि इस संसार का जो सृजन किया वो ईश्वर ने नहीं किया, इस संसार का सृजन किया है छह चीजों ने। कौन कौन सी हैं वो छह चीजें, तो ये एक एक करके हम देख लेते हैं। पहली है जीव, दूसरी है पुद्गल, तीसरी है धर्म, चौथी है अधर्म, चौथी पांचवी है आकाश, और छठवीं है काल, ठीक है।
यानी कि ईश्वर सृष्टि निर्माता नहीं है, सृष्टि बनी है इन छह चीजों से मिलकर के, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल से। ज्ञान कितने तरह का होता है, पांच प्रकार का बताया जैन धर्म में, ज्ञान पांच प्रकार का बताया। देखिए पांच प्रकार के ज्ञान की चर्चा की गई है, ज्ञान पांच प्रकार का बताया, मति सुति सुति अवधि मन पर्याय और उससे सबसे बड़ा है जो परम ज्ञान बोला जाता है कैवल्य। यानी ज्ञान पांच तरह का होता है, पहली तो मति होती है, दूसरी सुति होती है, तीसरी अवधि होती है, फिर मन पर्याय होता है, विश्लेषण होता है, और उसके बाद आप विश्लेषण करने के बाद ही परम ज्ञान पर पहुंचते हैं जिसको हम कैवल्य के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर और सवाल भी पूछे जाएंगे आपसे। पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा, पहला ने मैंने बताया कि भाई इनके जो पहले जो शिष्य थे वो कौन थे, अनुज्ञा प्रियदर्शिनी यानी इनके दामाद, उनके पति जमाली जमाली। अच्छा आपसे पूछा जाए पहली जैन भिक्षुणी कौन थी महिला, तो जैन भिक्षुणी पहली थी, जैन भिक्षुणी थी, आपको बता दे रहे हैं, चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री, दधिवाहन की पुत्री चंदना। ये नाम याद रखिएगा, ये खूब पूछा जाता है कि पहली जैन भिक्षुणी कौन थी, चंदना थी दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद इनका जो मृत्यु है महावीर स्वामी की 468 ईसा पूर्व जो है पावापुरी राजगृह में है, राजगृह में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब ये तो जैन धर्म महावीर स्वामी के बारे में मैंने इतना बता दिया, अब इससे रिलेटेड कुछ और सवाल भी हैं कि कैसे जैन धर्म में आपने देखा हो कुछ लोग श्वेत वस्त्र पहनते हैं, कुछ लोग नग्न रहते हैं जैन धर्म में, जैनियों को आपने देखा होगा, तो इसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों। देखिए जब ये महावीर स्वामी की मृत्यु होती है, यानी इनके शिष्यों को, इन्होंने 11 शिष्यों को अपना रखा जिनको गणधर कहा गया, इनके जीवन काल में 10 गणधर मर गए, सिर्फ एक गणधर बचा रहा जिसका नाम था आर्य सुधर्मा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सा गणधर इनके मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, तो आर्य सुधर्मा नाम का गणधर जीवित रहा। अब ठीक है दोस्तों, इनके जो अनुयायी थे उसमें दो गुरु थे, ठीक है, यानी 300 ईसा पूर्व ठीक है, यहां पर इस समय शासन किसका था, चंद्रगुप्त मौर्य का, याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी तात्पर्य यह हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, यही देखिए हर चीज को उससे समझिए, कॉन्सेप्ट से समझिए, जैन धर्म अनुयायी हो गया क्योंकि भाई काल इनका है, जैन धर्म का अनुयायी था। 300 ईसा पूर्व मगध में भयंकर अकाल पड़ा, मगध का राजा कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, मगध में भयंकर अकाल पड़ा, 12 वर्षों का भयंकर अकाल पड़ता है दोस्तों मगध में। अब जब इतना भयंकर अकाल पड़ता है तो जो दो अनुयायी थे, एक का नाम था भद्रबाहु और दूसरे का नाम था स्थूल भद्र। ठीक है दोस्तों, अब होता क्या है कि इनका काम ये था कि ये दोनों के दोनों ही क्या करें, जैन धर्म का प्रचार करें, तभी तो शिष्य थे ये, फैलाने का काम इनको मिला। तो स्थूल भद्र जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, मैं मगध से नहीं जाऊंगा। तो भद्रबाहु कहते हैं कि भैया मगध में आप रहेंगे तो हमारा जैन धर्म सिर्फ मगध तक ही सीमित रह जाएगा, मैं तो जा रहा हूं, मैं फैलाऊंगा अपने धर्म को। और यही वजह है कि भद्रबाहु छोड़ करके चले जाते हैं, जंगलों में भटक रहे हैं, चले जा रहे हैं प्रचार करते हुए, कई वर्षों तक इसी प्रकार करते रहे हैं, और कपड़े तार तार हो गए हैं, कपड़े बचे नहीं, नग्न रहने लगे, नग्न थे बिल्कुल। और जब अकाल समाप्त होता है तो ये आते हैं वापस मगध। तो मगध में जैसे ही ये वापस आए तो वहां पर लोगों ने देखा, स्थूल भद्र इनसे मिले,
और कहते हैं कि आचार्य ये क्या है, तो बोलते हैं यही तो सत्य है, महावीर भी तो यही करते थे, महावीर भी तो यही थे। अब बोले कि आप समाज में ऐसे नहीं रह सकते, और यहीं से कंट्राडक्शन हो जाता है जैन धर्म में, और जैन धर्म दो भागों में बट जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। यानी कि जो लोग नग्न रहे, जो लोग यानी कि जो भद्रवायु के अनुयायी थे वो नग्न रहे, ठीक है। इन्होंने ब्रह्मचर्य को मतलब ब्रह्मचर्य की पूर्ण रूप से इनको इन्होंने अपना लिया और अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, तो ये हो गए आपके दिगंबर, ठीक है। दूसरे थे स्थूलभद्र के अनुयायी, जो कि मगध में ही रहे, चूंकि समाज में रहे थे, समाज एक्सेप्ट नहीं करा, तो इन्होंने वस्त्र धारण किए और श्वेत वस्त्र धारण किए, और यही वजह थी कि इस इनके अनुयायियों को बोला श्वेतांबर। अच्छा, यहां पर एक सवाल और अराइज होता है, चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य इस अकाल में अपनी जनता की सुरक्षा करने में असमर्थ हो गया, तो ये क्या करता है, चूंकि ये महावीर का अनुयायी था चंद्रगुप्त मौर्य, महावीर स्वामी की बातों को, तो इनके गुरु कौन थे, भद्रबाहु। तो ये क्या करते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, मैं चूंकि अब जीवित नहीं रहना चाहता हूं, मैं प्राण त्यागना चाहता हूं, तो भद्रबाहु इनसे कहते हैं, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भद्रबाहु कहते हैं कि चलो तो हम आपको आपका मृत्यु वरण करने में आपकी सहयोग करते हैं। और जैन धर्म में मृत्यु को स्वयं वरण करने की स्थिति खूब बार पूछा जाता, कई बार सवाल पूछा गया है, मृत्यु वरण स्वयं से मृत्यु वरण करने की स्थिति को बोला जाता है संलेखना विधि, यानी उपवास द्वारा बिना अन्न जल ग्रहण किए क्या करते हैं, अपना प्राण त्याग देते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी विधि से अपना प्राण त्यागा। ये भी सवाल खूब पूछा जाता है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य किस विधि से अपने प्राण त्यागता है, तो संलेखना विधि यानी उपवास के द्वारा अपने प्राणों को त्यागता है। कहां पर, श्रवण बेलगोला, कहां पर है ये दोस्तों, कर्नाटक। यही वजह है कि कालांतर में गंगवंशीय राजा चोड़गंग श्रवण बेलगोला में एक गोमतेश्वर यानी बाहुबली की विशाल मूर्ति को स्थापित करवाता है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, बाहुबली या गोमतेश्वर की मूर्ति की स्थापना कौन करवाता है, गंगवंश। गोमतेश्वर की मूर्ति की स्थापना करवाई, और यहाँ प्रत्येक 12वें वर्ष पर एक बहुत भव्य जो है समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसको महामस्तकाभिषेक बोला जाता है। हर 12वें वर्ष यहाँ पर श्रवण बेलगोला में एक समारोह का आयोजन होता है, जिसको महामस्तकाभिषेक भी बोला जाता है, ठीक है। और ये भारत में जो है जैन धर्म की सबसे बड़ी मूर्ति है। इसके बाद खजुराहो मध्य प्रदेश में चंदेलवंशी राजा भी क्या करते हैं, चंदेलवंशी राजा भी मंदिरों का निर्माण करते हैं, जैन मंदिरों का, ठीक है दोस्तों। तो ये इतने इम्पॉर्टेंट सवाल थे जो जैन धर्म से रिलेटेड थे। अगर आपने इसको कायदे से देखा होगा या इसको समझा होगा, तो जैन धर्म से आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा दोस्तों। और इसी के साथ आपको एक चीज़ और याद करा देता हूँ, अब हम लोग GS स्पार्क के ये नंबर आपको दे रहे हैं, इन पर आप जो है हमसे किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको डाउट है, आपको क्लियर करना है उस सवाल को, तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पर, ये व्हाट्सएप नंबर है, ये ऑफिस का नंबर है, और ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, ठीक है दोस्तों। तो इन तीनों नंबर्स पे आप जो है कुछ भी अपने सवाल किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।